नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में 24 जुलाई तक रहेगा ऑनलाइन कर्फ्यू। खनका से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने दिए अधिकारियों को अहम आदेश। अवैध बालू खनन को रोकने के लिए जल्द होगी इतने खान निरीक्षकों की नियुक्ति। राज्य के इन जिलों में बारिश की प्रबल संभावना। 125 किलो वाले शिव प्रतिमा का कांवड़ लेकर सुल्तानगंज पहुंचे बंगाल के कांवड़िया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य में 24 जुलाई तक रहेगा ऑनलाइन कर्फ्यू। शनिवार और रविवार बिहार के सभी सरकारी वेबसाइट बंद रहेगी। राज्य में अगले दिन रविवार तक सरकारी विभाग से जुड़े किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन काम नहीं होगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो सरकारी विभागों में ऑनलाइन कर्फ्यू चल रहा है, जो कि अगले दिन रविवार 24 जुलाई तक रहेगा। आपको बताते चले कि स्टेट डेटा सेंटर में मेंटेनेंस कार्य के चलते 2 दिनों तक ऑनलाइन सेवाओं को बंद किया गया है। इसे सरकारी संस्थानों में उपकरणों की जांच की जाएगी। सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने राज्य के अन्य सभी विभागों को यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक सरकारी विभागों की वेबसाइट अब रविवार रात या सोमवार सुबह तक ही सुचारू हो पाएगी। ठनका से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने दिए अधिकारियों को अहम आदेश। राज्य में एक बार फिर से मानसून सक्रिय है। इस बीच राज्य के कई जिलों में बारिश के दौरान ठनका गिरने से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसको देखते हुए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सभी सरकारी भवनों पर जल्द त्वरित चालक लगाने को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सरकारी विद्यालय, पंचायत भवन, प्रखंड, अंचल, अनुमंडल कार्यालय सहित अन्य सरकारी भवनों पर त्वरित चालक लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही निजी भवनों पर त्वरित चालक लगाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करे। SIT ने NIA को सौंपा फुलवारी शरीफ केस मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर राजधानी पटना को दहला देने वाली साजिश नाकाम रही। इसके बाद फुलवारी शरीफ में से 2 संदिग्ध अपराधी को पकड़ा गया, जिसके बाद कई खुलासे किए गए हैं। इस मामले की जांच अभी तक SIT कर रही थी, लेकिन जिस तरह से लोगों के पाकिस्तान से कनेक्शन होने के सबूत मिले हैं, इसके बाद यह मामला NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच NIA से कराने का निर्देश जारी किया है। अब NIA की इस केस को लीड करेगी। वही खबर यह थी कि NIA आज से ही इस मामले को अपने अंडर ले सकती है। NIT पटना में सत्र 2022 में हुआ बम्पर प्लेसमेंट। NIT पटना में इस बार बम्पर प्लेसमेंट हुआ है और साल 2022 का प्लेसमेंट संपन्न हुआ। कुल 138 कंपनियां यह प्लेसमेंट के लिए पहुंची और 2 छात्रों को करोड़पति बनाकर चली गई। NIT पटना के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रभारी शैलेश एम पांडे ने बताया कि वर्ष 2022 के प्लेसमेंट में 138 कंपनियां पहुंची। इसमें गूगल, फेसबुक, अमेजन सहित कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसके बाद वर्ष 2022 सत्र में संस्थान के 1 छात्र और 1 छात्रा को 1 करोड़ से अधिक का पैकेज मिला है। इस वर्ष बीटेक में 50% वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में 73.35% प्लेसमेंट से बढ़कर वर्ष 2022 में यह 130% पर पहुंच गया है। NIT के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों का 100% प्लेसमेंट हुआ है। वहीं सत्र 2023 के लिए भी प्लेसमेंट शुरू हो गया है। अवैध बालू खनन को रोकने के लिए जल्द होगी इतने खान निरीक्षकों की नियुक्ति। बिहार में अवैध बालू खनन एक बड़ी समस्या है, जिस समस्या का समाधान निकालने में बिहार की नीतीश सरकार लगातार कोशिश में लगी हुई है, लेकिन फिर भी बिहार में अवैध बालू खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिसके बाद ही अब इस मामले में सरकार ने और ज़्यादा सख्ती दिखाने की बात कही है, जिसके तहत बीते दिन खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग में 92 खान निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री जनक राम ने बताया कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खान निरीक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की तैयारी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में अब ग्रेजुएशन कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2023-24 में लागू किया जाएगा। इस नियम के बाद स्नातक डिग्री के लिए वार्षिक परीक्षा की जगह पर हर 6 महीने में 3 पेपर की परीक्षा होगी। इस प्रकार वार्षिक परीक्षाओं की जगह 3 साल में 6 परीक्षाएं कराई जाएंगी। आपको बता दें कि अभी यह सिस्टम सिर्फ स्नातकोत्तर कक्षाओं में ही लागू होगी। राजभवन कुलाधिपति कार्यालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तय प्राविधानों के तहत इसे सभी कुलपतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने का आदेश दिया है। वैसे नई व्यवस्था को पटना विश्वविद्यालय ने जुलाई 2022-23 के सत्र में ही लागू किया है। राज्य के इन जिलों में बारिश की प्रबल संभावना। इस साल बिहार में मानसून में अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से राज्य के कुल 35 जिलों का हाल बेहाल है। हालांकि 20 जून से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने से लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग की ताजा जानकारी से लोगों को
काफी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय होने लगा है, जिससे राज्य में तेज और अच्छी बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसमें गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया सहित कई जिलों में बिजली चमकने और बादल गरजने के साथ भारी बारिश के आसार हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इन अस्पतालों को किया वेंटिलेटर आवंटित। आईसीयू सेवा बेहतर कराने के लिए बिहार के 4 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ ही 5 जिला अस्पतालों के आईसीयू को नई तकनीक से बना वेंटिलेटर दिया गया है। कई बीमारियों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और जिलों के सिविल सर्जन के अनुरोध पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अलग अलग अस्पतालों में कुल 90 वेंटिलेटर का आवंटन किया है। जिन अस्पतालों में यह वेंटिलेटर आवंटित किए गए हैं उनमें आईजीआईएमएस दरभंगा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल पूर्णिया और इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना के साथ साथ जिला अस्पताल लखीसराय, नालंदा, समस्तीपुर, सारण और बांका शामिल है। साउथ इंडियन फिल्म में तहलका मचा रहे हैं बिहार के पंकज। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, नेता, अभिनेता या फिर अभियंता। इन्हीं प्रतिभाओं में से एक है भोजपुर से ताल्लुक रखने वाले और तेलुगु फिल्म का जाना माना चेहरा पंकज केसरी। पटना के रंगमंच से निकलकर साउथ फिल्मों में नाम बनाने वाले पंकज केसरी इन दिनों एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे हैं। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषाओं में पंकज केसरी की अब तक 17 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। तेलुगु में आई उनकी पहली ही फिल्म कालीचरण को शानदार सफलता मिली। इस सफलता को आंध्र प्रदेश के प्रतिष्ठित नंदी अवार्ड नामांकित किया गया था। यही नहीं, पंकज अब तक 44 भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा हिंदी में भी पंकज की 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। पहली फिल्म राजगद्दी, इस फिल्म की पृष्ठभूमि बिहार की छात्र राजनीति है। वहीं दूसरी फिल्म भाग मोहब्बत में भी वह अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने को तैयार हैं। 125 किलो वाले शिव प्रतिमा का कांवड़ लेकर सुल्तानगंज पहुंचे बंगाल के कांवड़िया। सावन का पवित्र महीना शुरू है और शिव भक्त पूरी तरह से भगवान शिव की पूजा अर्चना में मगन है। इस बीच विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के 9वें दिन बंगाल के कोलकाता की उपनगरी रिश्वा से आई कांवड़िया टोली शिव भक्तों की भीड़ में आकर्षण का केंद्र रही। दरअसल कुल 125 किलो वजन की भगवान शिव की प्रतिमा का कांवड़ लेकर सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर अपने साथ लाए शिव रूपी कांवड़ के साथ पूजा अर्चना करते हुए देवघर के लिए रवाना हुए। 16 कांवड़ियों के इस जत्थे ने बताया कि हर साल ये शिव की प्रतिमा का ही कांवड़ लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं। पूर्व विधायक और विधान पार्षदों की पेंशन पर हर साल खर्च हो रहे हैं 74 करोड़। राज्य में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बंद है, लेकिन एक बार भी विधायक निर्वाचित होने वाले विधायक का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें पेंशन देकर सरकार करोड़पति बना रही है। यही नहीं, उनके निधन के बाद भी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो राज्य कोष से सेवानिवृत्त विधायकों की पेंशन पर 63 करोड़ 65 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है, जबकि विधान परिषद के सेवानिवृत्त सदस्यों के पेंशन मद में 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह माना जा रहा है कि राज्य में 900 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। वहीं 140 विधान परिषद के पूर्व सदस्य पेंशन पा रहे हैं। 51 नेताओं को भाजपा के ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की मिली खास जिम्मेदारी। बीजेपी 30 और 31 जुलाई को बिहार में राष्ट्रीय कार्य समिति की संयुक्त बैठक का इतिहास रचने जा रही है। आपको बता दें कि यह पहली बार होगा जब भाजपा बिहार में युवा, महिला, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति की संयुक्त बैठक बिहार की राजधानी पटना में करने जा रही है। इस बैठक की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है, जिसके लिए भाजपा के करीब 51 नेताओं को इसकी खास जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष शिव नारायण महतो और राजेश को संयुक्त रूप से बनाया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 24 कमेटियां भी बनाई गई हैं। वहीं इस बैठक के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। जिवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को दी पिता की सेवा करने की नसीहत। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत में अब पहले से काफी सुधार है, जिसके बाद राजद खेमे में खुशी की लहर है। वहीं बीते दिन एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जिवेश मिश्रा ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत इस बार की हालत उनकी ऐसी हो गई थी कि हम लोग को लग रहा था कि वे हम लोगों के बीच रहेंगे कि नहीं रहेंगे,
लेकिन यह बात की खुशी है कि आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष सहित लालू यादव के बेटे बेटियों को लेकर कहा कि लालू प्रसाद यादव का उपयोग राजनीति के लिए ना करें। ये उनके पुत्रों और पुत्रियों से मित्रत्व भाव से कहना चाहता हूँ कि अपने पिता का सेवा करें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें, उनके साथ कोई राजनीतिक समीकरण साधने और सधवाने की चेष्टा ना करें। कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शनिवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 21,411 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 150,100 हो गई है, जहां देशभर में कुल 67 लोगों ने जान भी गंवाई। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़े के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 345 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 129 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी बार पिता बनने वाले हैं अजिंक्य रहाणे। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। रहाणे की पत्नी राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपने पति अजिंक्य रहाणे और बेटी के साथ नजर आ रही हैं। 34 साल के रहाणे के घर दूसरी बार खिलकारियां गुजरने वाली है। रहाणे खराब फॉर्म के कारण इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और आखिरी टेस्ट में टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए थे और इस समय वह क्रिकेट से दूर हैं। रहाणे और राधिका 2014 में शादी के बंधन में बंधे थे और राधिका ने 2019 में बेटी को जन्म दिया था। उनके इस पोस्ट से साफ है कि राधिका अक्टूबर 2022 में दूसरी बार मां बनने वाली हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है शंकर मुखिया, राजकुमार प्रसाद, नुन्नू कुमार, रवि कुमार राज, विनय कुमार, कविता कुमारी, बंटी चौरसिया, धीरज कुमार, हरी माया पटवारी, उमेश ऋषिदेव, आयुष कुमार, नितेश कुमार, यशवंत राज, सूरज कुमार और अनमोल पुष्कर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन आपको सबसे अच्छा लगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे बिहारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।